हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ टू डिसऑर्डर सीरीज इन सर्कुलर मोशन। इस लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 फ्रॉम एस सी वर्मा वो करने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे उनको बताना चाहूँगा, लेक्चर 1 में हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी डिस्कस की थी सर्कुलर मोशन की। लेक्चर 2 में ऑब्जेक्टिव 1 फ्रॉम एस सी वर्मा, लेक्चर 3 जो कि अभी करंट लेक्चर, इसमें ऑब्जेक्टिव 2 फ्रॉम एस सी वर्मा। आगे के लेक्चर्स में एक्सरसाइज, एन सी आर टी एग्जाम्पलर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन वो सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ कर्व पाथ, द फॉलोइंग क्वांटिटीज में रिमेन कॉन्स्टेंट। मे मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर, कोई भी एक केस आप खोज लो जहाँ पे ये चीज़ कॉन्स्टेंट है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। मे मतलब पॉसिबिली, ठीक है ना। तो स्पीड कॉन्स्टेंट हो सकता है, हो सकता है। सर्कुलर मोशन में ही देख सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो एक केस मैंने खोज लिया। वेलोसिटी कभी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता कर्व पाथ में चल रहे तो, क्योंकि कर्व पाथ मतलब ही डायरेक्शन चेंज होना है। तो भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा क्योंकि कर्व पाथ है, ठीक है। तो कोई भी केस ले लो, ये तो चेंज होगा ही होगा। एक्सेलरेशन टेंजेंट से नहीं पता करते हम लोग, ठीक है। पाथ पे टेंजेंट बनाने से वेलोसिटी आता है, एक्सेलरेशन नहीं आता है ना, या वेलोसिटी डायरेक्शन मिलता है, एक्सेलरेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन याद है, प्रोजेक्टाइल मोशन में तो कर्व पाथ है, ठीक है। और इस पूरे पाथ के दौरान एक्सेलरेशन क्या होता था, जी डाउनवर्ड, ठीक है। तो इसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और डी पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। हाँ, तो फिर प्रोजेक्टाइल का केस में ही के कोई कहीं सपोर्ट मिल जाएगा डी के लिए भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, सी और डी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकते क्योंकि इसका डायरेक्शन वेरी करेगा ही करेगा, कर्व पाथ है तो, है ना। लेकिन कर्व पाथ डज नॉट इम्प्लाई कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में अज्यूम दैट अर्थ गोज अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट बोल दिए विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट बना दिए, ये सेंटर में सन है और अर्थ घूम रहा है इसको, ठीक है। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अर्थ फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून, तो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ए ईयर है ना, 6 महीने, हाफ ऑफ ए ईयर। मतलब अगर 1 जनवरी को अर्थ यहाँ पे था, इस क्रॉस में था मान लो, तो 30 जून को ऑलमोस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा है, क्वेश्चन ने बोल दिया है, तो आधा साल में आधा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, है ना, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, अब यहाँ से यहाँ के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताना है आपको, ठीक है। जीरो तो नहीं होगा ऑफकोर्स, क्योंकि जीरो बोला गया है, तो जीरो कब होता है, जब वापस दोनों क्रॉस कोइंसाइड कर जाता है ना। लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, तो मतलब जीरो तो हो नहीं सकता, ये गलत है। एवरेज एक्सेलेशन इज दिस मच, अब एवरेज एक्सेलेशन निकाले तो यहाँ पे वेलोसिटी है 30 इस तरफ, यहाँ पे है 30 इस तरफ। तो एवरेज एक्सेलेशन किसी भी दो मोमेंट्स में वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो अगर हम लोग एवरेज एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा, अब ये वाला 30 और ये वाला 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। टाइम टेकन कितना, आधा साल, मतलब 6 महीना, ठीक है। ऑफकोर्स इसका वैल्यू इतना नहीं आ सकता, करके देख लेना, महीना को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना, बहुत छोटा आएगा, 60 तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, द एवरेज स्पीड फ्रॉम, वही वही, ये तो पूरा साल के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर इज जीरो। अभी एवरेज स्पीड है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, ठीक है। 31 जनवरी को यहाँ पे ए पे है, और एक साल बीतने के बाद वो वापस ए पे पहुँच जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल तो जीरो नहीं है, तो डिस्टेंस ट्रैवल जीरो नहीं, तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ऑफ द अर्थ पॉइंट टुवर्ड सेंटर, ठीक है। कॉन्स्टेंट स्पीड है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलेरेशन सेंटर के तरफ होता है, ठीक है, जो कि सही है। तो 2 का सिर्फ डी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन अबाउट द ओरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम। तो आपको बोल दिया है कि इक्वल एरिया इक्वल टाइम, ये तभी पॉसिबल है। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, तो ओरिजिन से एड्रेस नापना आपको, ठीक है। वही रेडियस वेक्टर जो है, ये रेडियस वेक्टर जो है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिकल सपोज
यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मान लो 30 डिग्री एंगल कवर किया है, ठीक है, एक घंटे में, तो फिर एक घंटा आप देखोगे तो फिर से 30 डिग्री कवर करेगा, फिर एक घंटा देखोगे तो फिर से 30 डिग्री कवर करेगा, सो ऑन, है ना। तो देख लो आप इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है इक्वल टाइम में, क्योंकि 30 डिग्री अगर दोनों सेम है, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एरिया भी इक्वल ही आएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक है। तो इक्वल एरिया इक्वल टाइम इम्प्लाइज स्पीड इज कॉन्स्टेंट, स्पीड इज कॉन्स्टेंट, सर्कुलर पाथ में इक्वल एरिया इक्वल टाइम मतलब स्पीड इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट हो नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड रिमेंस कॉन्स्टेंट, सही है, एक्सेलरेशन रिमेंस कॉन्स्टेंट। अब स्पीड कॉन्स्टेंट है, सर्कुलर मोशन चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जो है सेंटर के तरफ है, और वी स्क्वायर बाय आर उसका वैल्यू है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, एरो का लेंथ देख लो सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रिमेंस कॉन्स्टेंट, ये गलत है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन रिमेंस कॉन्स्टेंट, टेंजेंशियल एक्शन रिमेंस कॉन्स्टेंट। अब स्पीड कॉन्स्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्शन क्या है, जीरो है, तो वो रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो 3 का बी और डी। क्वेश्चन नंबर 4, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्पायरल पाथ, गोइंग इन स्पायरल पाथ एज शोन इन फिगर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है। तो आपको बोल दिया स्पायरल पाथ में कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक चीज़ बोली नहीं गई है लेकिन फिगर से बहुत ज़्यादा एविडेंट है, वो है कि सक्सेसिव सर्कल्स के बीच का सेपरेशन आप देखोगे तो सेम है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पायरल पाथ विथ यूनिफॉर्म पिच, है ना। सक्सेसिव सर्कल्स के बीच का अगर सेपरेशन सेम हो, सर्कल्स भी सेम है मान लें, सेम मतलब सेम रेडियस की, तो ये सब अगर सेपरेशन सेम हो तो हम लोग बोलते हैं पिच क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ देखने वाले हैं हम लोग, पिच क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको फिर ये बताना है, अब यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पूरे ऑब्जेक्टिव 2 में, है ना। बाय द वे ऑब्जेक्टिव 2 सिर्फ ये पहला 3 क्वेश्चन तो बाकी लोग भी देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लेक्चर सिर्फ जे एडवांस वालों के लिए, ठीक है, वो लेक्चर के स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो आ गया होगा आप अगर देख रहे होंगे तो शुरू से। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक काम करते हैं, सबसे पहले स्पायरल को ड्रॉ करते हैं, है ना। थोड़ा पेशेंस वाला काम है ये, ठीक है। मैं 3-4 सर्कल्स ड्रॉ किया यहाँ पे, है ना। और अगर ध्यान दोगे तो पॉइंट पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, वो उसके लिए एक चक्कर इसको बोलेंगे, है ना, बस ये दूसरा चक्कर है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ख़राब है लेकिन आप मान लो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ लो, ठीक है, एंड सो ऑन, है ना। तो आप देख सकते हो सक्सेसिव सर्कल्स के बीच का सेपरेशन जो है सेम, ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी में दिखाता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब सक्सेसिव सर्कल्स के बीच का आप देख सकते हो सेपरेशन क्या है, सेम है ना। तो हम लोग इस पूरे मोशन को दो अलग अलग, एक प्लेन और एक लाइन के लोग तोड़ सकते हैं। एक होगा ये जो सर्कल्स बन रहे हैं ना, उनके प्लेन में सर्कुलर मोशन, एक तो ये वाला प्लेन ले लो जिसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल मान लो, ठीक है। खाली ये होता तो ऐसा पाथ नहीं दिखता जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। और एक है स्ट्रेट लाइन मोशन, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो स्पीड और अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म रहे, और एक सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहे, अगर सेम पार्टिकल ये दोनों चीज़ कर सके, ठीक है, तो इनका सुपर पोजिशन करेंगे तो आपको ये पाथ मिल जाएगा। सर्कल में भी चलना है इसको और आगे ही बढ़ते जाना है, तो सर्कल में चलते चलते आगे बढ़ेगा, तो सर्कल में चलते चलते आगे बढ़ेगा तो ऐसा होते जाएगा, ठीक है। मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन यही वाला डायग्राम आएगा, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों याद रखना, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन वाला। तो अगर इसका स्पीड u1 है, इसका स्पीड u2 है, ठीक है, तो पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, वो तो है u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, u1 हमेशा इस प्लेन पे रहेगा, ठीक है, और u2 इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, है ना।
तो ये तो आ जाएगा आपका स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। जब भी कर्व्ड पाथ रहे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, तो वेलोसिटी कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब अगर इस पार्ट का मोशन देखेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, इसी डायरेक्शन में चल रहा है एंड विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो यहाँ इस ये वाला एक्सेलेशन जो है, ये कॉम्पोनेंट जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेलेशन होगा वो सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलेशन होगा, ठीक है। उसका डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट नहीं है, उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, सेंटर की तरफ हमेशा रहता है ना, जो कि चेंजिंग डायरेक्शन है ना। तो एक्सेलेशन का डायरेक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है, तो एक्सेलेशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट, ये सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाय जो भी रेडियस ऑफ सर्कल हो। यहाँ वाले स्पीड कितना है, यू वन स्क्वायर बाय आर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेशन हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेशन इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, ये भी गलत है। तो फोर्थ का सिर्फ सी होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ का सिर्फ सी है, बाकी लोग का भी चेक कर लेते हैं। वन का ए डी, टू का डी, थ्री का बी डी। वन का ए डी, वन का ए डी बोला है, सी भी आएगा, फिर चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ कर्व पाथ, नहीं कर्व पाथ में है तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहता है। तो आंसर गलत दिया हुआ है बुक में, ठीक है। ए सी डी होगा, टू का अपना डी आया, बुक में भी डी है, और थ्री का बी डी है बुक में, अपना कितना आया, बी डी आया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ कार ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर। तो याद रखना हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, ठीक है। कार एम मास का एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज वी एंड इंक्रीजिंग एट ए रेट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड का रेट ऑफ चेंज को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टुवर्ड द सेंटर, ये गलत है। कार का एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होता अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाय आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर बाय से ज़्यादा होगा, चेक कर लेते हैं। तो अगर ये वो सर्कुलर पाथ है, याद रखना हॉरिजॉन्टल है, तो सेंटिपिटल एक्सेलेरेशन भी याद रखना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बाकी क्योंकि नॉर्मल जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, तो मैं यहाँ पर प्लेन अगर ड्रॉ करूँ, ये रोड है, तो नॉर्मल और एम जी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन में है, ठीक है। सर्कल के तरफ भी फ्रिक्शन का ही कोई कॉम्पोनेंट आएगा, और सर्कल के टेंजेंशियल भी फ्रिक्शन का ही कोई कॉम्पोनेंट आएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, अब जो सर्कल के तरफ वाला कंपोनेंट है फ्रिक्शन का, वही तो एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है। लेकिन ये कंपोनेंट तो बचा हुआ है ना, जो एम इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स फ्रिक्शन का वैल्यू इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट आएगा, दोनों 90 डिग्री पे है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाय, सही। फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द रोड इज नॉट लेस देन ए बाई जी, ठीक है। अगर आप फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू देखो, तो आपको पता है कि फ्रिक्शन जो है ऑफ कोर्स वो बड़ा है एम ए से, कि फ्रिक्शन एफ वन से ही बड़ा होगा, एफ टू से ही बड़ा होगा, दोनों का रिजल्टेंट है फ्रिक्शन है, तो एफ टू से बड़ा तो होगा ही होगा, है ना, उसी से काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए दिख रहा है इसलिए मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। फ्रिक्शन बड़ा है एम ए से, और फ्रिक्शन क्या होता है, जो भी फ्रिक्शन का वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होगा, और एन क्या होगा, एम जी होगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो यहाँ से म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बाय जी, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आया, और ये चीज़ इससे बड़ा है, ये तो म्यू एस ग्रेटर देन ए बाई जी होगा, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज नॉट लेस देन ए बाई जी, सही है, ठीक है। अब लास्ट में फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द कार, अब देखो यही में प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट का एक फिक्स वैल्यू यहाँ पे लिखा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू बताया नहीं गया है। जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन बताया नहीं गया, मतलब म्यू एस को रिलेट करने वाला एक्सप्रेशन मिला ही नहीं है आपको, ठीक है। आप खाली रेंज बता सकते हो, हाँ, कि म्यू एस भैया यहाँ से यहाँ के बीच में लाई कर सकता है, और इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट ये थर्ड फोर्थ पार्ट में एग्जैक्ट वैल्यू बोल दिया, ठीक है। थर्ड पार्ट में रेंज बताया था एक सेंस में, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन, ये सब रेंज का पार्ट होता है ना। तो इसका आंसर बी और सी होगा फिफ्थ का। क्वेश्चन नंबर 6 में, सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर इज बैंड फॉर ए स्पीड इतना, इसका मतलब क्या है, कार अगर 40 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तब उसको फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बैंड फॉर स्पीड मतलब ये करेक्ट स्पीड है, ठीक है, इतनी स्पीड में चलने में फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं चलेगा रहेगा, है ना। अब कार ऑफ मास एम अटेम्प्ट्स टू गो इन सर्कुलर रोड, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज नेग्लिजिबल, तो फ्रिक्शन एब्सेंट है, नेग्लिजिबल मतलब एब्सेंट, ठीक है, तो फ्रिक्शन इज एब्सेंट।
है ना, याद रखना ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग थ्योरी पढ़े थे कि अगर करेक्ट स्पीड से चलेगा तब वो सर्कल में चल सकता है, करेक्ट स्पीड से कम में चलेगा तो स्लाइड डाउन करेगा, करेक्ट स्पीड से ज़्यादा में चलेगा तो स्लाइड अप करेगा, ठीक है। याद रखना बैंक रोड है तो ऐसा है कुछ, करेक्ट स्पीड में चलेगा तो सर्कल में चलेगा, ठीक है, करेक्ट स्पीड से ज़्यादा में चलेगा तो स्लाइड डाउन करेगा, कम में चलेगा तो स्लाइड डाउन करेगा, करेक्ट स्पीड से ज़्यादा में चलेगा तो स्लाइड अप करेगा, ठीक है। द कार कैनॉट मिट टेक ए टर्न विदाउट स्केडिंग, गलत है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो टर्न ले सकता है, सर्कल में चल सकता है। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज लेस देन 40 इट विल स्लिप डाउन, सही है। 40 से ज़्यादा हो तो स्लिप अप, 40 से कम है तो स्लिप डाउन। इफ द कार टर्न्स एट द करेक्ट स्पीड द फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज इक्वल टू दिस मच, गलत। अभी जो रोड है वो सेंटीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है और एम जी को ही बैलेंस कर रहा है। रोड जो फोर्स लगा रहा है, रोड का ही तो एक पार्ट जो होगा एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, और रोड का ही तो दूसरा पार्ट ये भी है। तो रोड का कारण जो कार पे फोर्स है वो वेट को ही बैलेंस कर रहा है कार का, साथ में सेंटीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है, तो एम जी से ही बड़ा होगा, एम वी स्क्वायर से आर से ही बड़ा होगा, जो कि ऑप्शन डी में सी गलत है, ठीक है। सी में क्या बोल रहा है कि रोड जो है कार पे इतना ही फोर्स लगा रहा है, तो एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। कार पे सिर्फ दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, रोड और एम जी अर्थ, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में, अ पर्सन अप्लाईज अ कांस्टेंट फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड फाइंड्स दैट द पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम से अगर आप देख रहे हो कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल ऑफ मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो टुवर्ड्स सेंटर होगा ऑलवेज, क्योंकि वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब सेंट्रिपिटल एक्सीलेशन ही होगा, टेंजेंशियल तो होगा नहीं, मतलब नेट फोर्स भी टुवर्ड्स सेंटर ही होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया जा रहा है, तो यू कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ और वो सब लगाने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल द इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है। द अदर देर आर अदर फोर्सेज ऑन द पार्टिकल, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ पढ़े जब ये चीज़ पॉसिबल हुआ है, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो गलत है। देर आर अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, ऑफकोर्स क्यों, क्योंकि याद रखना पर्सन जो है कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहा है, ठीक है, लेकिन नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जो है वो डायरेक्शन में तो चेंज हो रहा है ना। अगर सर्कल में ड्रॉ करूँ तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो यानी नेट फोर्स में पर्सन का फोर्स तो आएगा ही प्लस कुछ अदर फोर्सेस भी होंगे। कैसे पता मुझे अदर फोर्सेस होंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होता तब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है मतलब कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट डायरेक्शन, तो इसका भी कांस्टेंट डायरेक्शन हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होते रहेगा, ठीक है, समझ में आई बात। देर आर अदर फोर्सेज, देर मस्ट बी अदर फोर्सेज, द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेज इज दिस मच, नहीं रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इतना, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ अदर फोर्सेज वेरीज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये भी सही है, ठीक है। इसका कारण बताता हूँ मैं क्यों, इसके लिए फिर से यहाँ पे देखो, वो पता है नेट फोर्स जो है वो टुवर्ड सेंटर होगा, ठीक है। उसमें आपका फोर्स जिसको एफ बोला गया, क्वेश्चन पढ़ लो, एफ और अदर फोर्सेस, ठीक है, जो आपके अलावा जो फोर्सेस उसको मदर बोल रहा है ना। अब ये चीज़ का डायरेक्शन इज चेंजिंग, ठीक है, या दिस इज वेरिएबल है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो वेरिएबल है, ठीक है, ये कांस्टेंट है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो दिस मस्ट बी वेरिएबल, क्योंकि कांस्टेंट में तो कांस्टेंट ऐड करेंगे, अगर ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड करेंगे तो यहाँ भी कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन ये तो वेरिएबल है, मतलब अदर फोर्सेज जो है वो वेरिएबल होगा, ठीक है, ठीक है ना, ये तो वेरिएबल होगा, है ना। दूसरी बात, ये चीज़ जो है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, क्योंकि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है इन सर्कल, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाय आर है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड और राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड तो इतना है, राइट हैंड साइड का मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों का वेक्टर सम, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, थीटा होगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है, और यहाँ भी स्क्वायर कर दो, ये दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये तो फिक्स है, ये फिक्स है ना,
इस पूरे चीज में अगर आप ये सोचो कि थीटा चेंज नहीं हो रहा है, मान लो आपको लग रहा है ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर ये फिक्स हो गया, सपोज कि ये फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स है ना, अब अदर फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा क्या? हमें नहीं पता। अदर फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा क्या? हमें नहीं पता। लेकिन अदर फोर्स का खाली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखते हुए और विदाउट सॉरी डायरेक्शन कांस्टेंट रखते हुए मैग्नीट्यूड को तो वेरी कराना होगा बार बार, समझ में आ रही बात? तो वी नेवर नो, ठीक है, या इस तरीके से तो पता नहीं चल रहा है, दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक, कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है। दूसरा तरीका वही है, अदर फोर्सेस इज नथिंग बट नेट फोर्स माइनस वो कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, यही बोल रहे थे ना हम लोग। हाँ, तो यहाँ पे इसको ऐसे देखो, आप इसको इधर भेज दो तो ऐसा हो गया। अब दिस इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है, सॉरी नेट माइनस ये होना चाहिए, सॉरी 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 सब सही था, मैं साइन उल्टा कर दिया। शुरू से देख लो, नेट फोर्स इज इक्वल टू आपका फोर्स प्लस अदर फोर्सेस, यही तीनों चीज आएंगी ना, ठीक है। मुझे अदर के बारे में जानना है तो अदर फोर्स हो जाएगा नेट माइनस आपका फोर्स, ठीक है, नेट माइनस आपका फोर्स, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है? जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है ना, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल चेंज हो रहा है बार बार। ये एफ तो कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, मान लो एफ जो है किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, मान लो मैं इस तरफ कर रहा हूँ, एफ इस तरफ है, आपको बोल दिया गया, ठीक है। लेकिन जो नेट फोर्स है वो जब इस तरफ है, तब आप देखोगे तो नेट फोर्स और एफ में एंगल कितने 90 डिग्री। नेट फोर्स जब इस तरफ है तब नेट फोर्स और एफ में एंगल कितना 0 डिग्री, ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है ना, एम वी स्क्वायर बाय आर है, इसका मैग्नीट्यूड एफ है, ठीक है, दोनों कांस्टेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो गया, ठीक है। मैं आपको दो ही केस में दिखा देता हूँ, अगर ये वाला केस ले हम लोग तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तब उस समय एफ अदर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एफ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है, तो सब ट्रैक करना है तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब ट्रैक करते तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाता, ठीक है। तो ऑफकोर्स एफ अदर का मैग्नीट्यूड देख सकते हो, दो अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है तो इसका वेरिएबल है, ठीक है, तो इसका ये तो वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन में वेरिएबल है कि नहीं कैसे पता करेंगे? वो भी पता कर सकते हैं, कैसे? देखो आपको दो केस दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जब पार्टिकल यहाँ पे है ना, उस समय उसके ऊपर एफ नोट इधर लग रहा है, ठीक है, एफ का डायरेक्शन तो मैं यही वाला ले रहा हूँ, तो एफ इधर है, एफ नेट इधर है, दोनों को याद रखना, दो वेक्टर का जो डिफरेंस आएगा वही एफ अदर है, ठीक है। तो अभी आप एफ नेट माइनस एफ अदर है ना, एफ नेट में से एफ अदर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी एफ नेट में से एफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपको माइनस एफ है ना, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा, ये आपका एफ अदर है, ठीक है। लेकिन यहीं पे एफ अदर अलग डायरेक्शन में आ जाएगा, कैसे? यहाँ पे आपका ये चीज एफ नेट इस तरफ, एफ इस तरफ, ठीक है, तो नेगेटिव एफ इस तरफ, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एफ अदर भी इस तरफ आएगा, तो इस केस में एफ अदर इधर आ रहा है, इस केस में एफ अदर इधर आ रहा है, दिस इज वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उन्होंने प्रूफ कर दिए दो तीन सिंपल सिंपल केसेस लेके, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा कमेंट में बता देना, ठीक है, ये खाली जो एडवांस वालों के लिए था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अंटिल देन बाय।